देश के सबसे धाकड़ और दबंग आईपीएस अधिकारियों में से एक नानवी सकीरा ने ट्विटर में एक बच्चे का मजेदार वीडियो शेयर किया और लोगों से ऐसा सवाल पूछा कि उसका जवाब देने के लिए लोगों की लाइन लग गई है। लोगों ने वीडियो देखकर हंस भी रहे हैं और धड़ाधड़ अपने बचपन की बातें भी बता रहे हैं। बचपन के समय जिंदगी का सबसे सुखद और मज़ेदार समय होता है, जिसमें बस मस्ती ही मस्ती होती है। हालांकि इस मस्ती के चक्कर में अक्सर बच्चे अपने माता पिता से खूब पिटाई भी खाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में सब उन चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर से उसी काम में लग जाते हैं जिसके लिए दांत और मार खाया होता है। बड़े हो जाने के बाद बचपन की वो शैतानियाँ लोगों को बहुत याद आती है, और जब भी शैतानी करते हुए उन्हें कोई बच्चा दिख जाता है तो वो उन अपने दिनों को याद करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ एक आईएएस अधिकारी के साथ जिसका नाम नवनीत सकेरा है। उनकी गिनती देश में सबसे धाकड़ और दबंग आईपीएस अधिकारियों में होती है। दरअसल नवनीत सकेरा ने सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो शेयर किया जो बहुत तेज मज़ेदार है। इस वीडियो में बच्चा पूरी तरह से कीचड़ में नहाया हुआ नज़र आता है। उसके कपड़े पूरे मतमैले हो गए और उसकी उसके शरीर पर गीली मिट्टी भी दिखाई दे रही है। इस दौरान उसने अपने हाथ में अपना पैंट पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में चप्पल पकड़ी हुई थी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चे की हालत कैसी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे खेल खेल में कीचड़ से नहा गया होगा, फिर शायद मछली पकड़ने के चक्कर में ये हालत हुई होगी, पर इसके बाद फिर उसकी हालत हुई होगी, ये तो शायद आप बेखूबी जानते होंगे। नवनीत सिकरा ने ये मज़ेदार वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर आईडी में शेयर किया और मजाकिया अंदाज में लोगों से पूछा कितनी बार ऐसे घर पहुंचे हैं बचपन में और इसके बाद किस शस्त्र से स्वागत हुआ है। मगर 8 सेकंड का इस वीडियो में मज़ेदार वीडियो को अब तक 21,000 से भी अधिक लोगों ने देखा जा चुका है, जबकि सैकड़ों लोगों ने ऐसे वीडियो को लाइक भी किया है। वही वीडियो देखने के लिए लोग तरह तरह के मज़ेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ऐसी अवस्था में एक बार मैं घर पहुंचा हूं, पर अन्य मामलों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र का भरपूर स्वागत हुआ है।